आदत नहीं है। दिखाओ जरा अपनी मेहंदियाँ दिखाओ। शौक ही तो नहीं है मेरे को। तेरी मेहंदी की बारी है, तुम उस रूम में चले गए। Hey guys, good morning, welcome back to another vlog. क्या हाल है सबको? राधे राधे। आज हमारी शुरुआत थोड़ी डामाडोल हुई है, मतलब पापा गए हुए थे सब्जी मंडी सब्जी वगैरह लेने के लिए और हमारी स्कूटी हो गई है टो, तो बस मैं आया हूँ। आज काम वैसे भी इतना है और काम बढ़ता जा रहा है, सो लेट्स गो। मैंने बाहर खड़ी करी थी, पूछे किधर लग किधर मिलेगी। विकास परिधान देखिए। कहाँ पे? विकास परिधान। विकास परिधान में आजाद। चलो हम आए हैं पापा का क्लीन अप करवाने, बहुत जरूरी है डैडी का। कह रहे 30-40 साल का जो ये गंदा, ये एक दिन में कैसे निकलेगा। मैंने कहा निकलेगा नहीं, लेकिन साफ तो हो जाएगा चेहरा। हाँ जी, क्लीन अप हमारा हो गया है और डैडी कह रहे हैं मेरे फेस पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। पड़ा है डैडी, आपको पता नहीं चल रहा। तो अब जा रहे हैं कुछ शगुन की मिठाई लेने के लिए, फिर मम्मी और को पिक करेंगे जो मेहंदी लगवाने गए हुए थे, तो वो भी पहुंच गए। चलो चलें, क्या मेहंदी लगवाई देखें जरा। अब तो तेरे को एक और बहाना मिल गया काम नहीं करने का। इधर लड़के वालों की मेहंदी हो गई है, उधर लड़की वालों की मेहंदी हो रही है। दिखाओ जरा अपनी मेहंदियाँ दिखाओ। दिखाओ जरा अपनी मेहंदियाँ दिखाओ। ये है अनीता मासी की, शांति मासी की, और ये है मम्मी की। उधर उनकी पार्टी चल रही है, मैं इधर हम लड़के वालों की पार्टी चल रही है, पिज्जा पार्टी। हम तो इसको लेने आए थे डांस प्रैक्टिस करने के लिए, इन्होंने हमें ही पिज्जा खिलवा के, तोंद नहीं हिलानी वहाँ पे। पिज्जा पार्टी करनी है मुझे यहाँ पे भी। कल काटना है आप जीजा यार, डांस प्रैक्टिस कर लो आप। बच्चे करेंगे, आप भी तो करोगे ना। थैंक यू। शादी में करेंगे। अरे ऐसा मत करो यार। सुनीता कहती रहेगी अब मैं वहीं डांस करूंगी, अब मैं वहीं डांस करूंगी। शादी में डांस करना शुरू कर दिया। मन्नू को दिखा, मन्नू को कहाँ है? चलो यार ये बुला मन्नू। मक्खन डांस कर रहे हैं हम लोग, चल आजा डांस कर रहे हैं। क्या हूँ क्या कर रही है? सॉन्ग पे लगाओ। आजा उधर है सारे बाहर बालकनी में। चल मेरे से दूर रखियो इसको। जाना क्या हुआ अभी? जा माखन। गिल्ली लेके आऊं गिल्ली। इसको अच्छी दिख रही है, क्यूट दिख रही है। दो बज गए, आप लोग आराम करने आए हो, मस्ती करने आए हो? चलो चलो जल्दी से खड़े हो जाओ। सहज भाई तेरे को होटल का कम्फी गद्दा क्या दे दिया, तू तो पागल ही हो गया। ये देखो जरा, व्लॉग में जा रहा है तू, ऐसे फिर मत कहियो दीदी मेरे को ऐसे क्यों लिया। जल्दी खड़ा हो, दो बज गए। मैं अपने लगेज ले लूं भाई, रात को हम लोग आ गए, कोई प्लान नहीं था, बट हम लोगों को सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने कहा चलो जाते हैं वहीं पे अपना रुकेंगे, स्टे करेंगे, मस्ती करेंगे। तो अब रेडी वेडी हो रहे हैं, कुछ वीडियोस वगैरह बनाएंगे और अपना काम वाम करेंगे। विहान डायरेक्ट कल आने वाला है और हम लोग पहले ही आ गए हैं, एक दिन पहले। हमने पहले भी प्लान किया था बट फिर वो चेंज हो गया था, अब दोबारा वो प्लान हमारा खुद से एग्जीक्यूट हो गया, बट स्टिल चलो मजा आएगा, करते हैं मस्ती। ब्रश बाद में, पहले मम्मी को कॉल कर वो क्या कह रही है। चलो यार सब लोग, ये देखो यहाँ डांस हो रहे हैं, मस्तियाँ हो रही है, कोई रेडी होने का नाम ही नहीं ले रहा। बालकनी के व्यू के मजे, बारिश। आंटी चलो ना, आप तो रेडी हो, आप हो नहीं रेडी, चलो जल्दी जल्दी करो। मैगी नहीं, नाश्ता आ रहा है। मैं खुद रेडी नहीं हुई, जो सबको कह रही हूँ रेडी हो, मैं ऐसी हूँ, मेरा गला बिल्कुल गया, मेरे को इतना ज्यादा हेडेक, गला सब लोकल, इतना बोला है मैंने, इतना बोला है। कल मेरा फंक्शन है और मेरी हालत डेड है, लिटरली डेड है। अब रेडी हो रहे हैं। हाँ। यार ये नर्सरी के बच्चे होते हैं ना, इन लोगों को वैसे मुझे ट्रीट करना पड़ा है कि ये खा लो कर लो रेडी हो जाओ। एक तो छोटी बच्ची है, ये सारे छोटे बच्चे बन गए हैं। अब ले बाबा ले, ये देखो जरा, टाइम दिखाइयो क्या हुआ है, जरा टाइम क्या हो रहा है बताइयो जरा। और हमारा ना ब्रेकफास्ट हुआ है ना लंच हुआ है, हम बीच में अटके हुए हैं। आप क्या कह रहे हो? मैं बोल रही हूं मम्मी पैसे दे।
पेप्सी तेरी मम्मी आएगी तो लेके आएगी। किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, सब अपने लगे पड़े हैं अपने माहौल में। इनकी मीटिंग चल रही है, इनकी चुगलियां चल रही हैं और ये मैडम एडवाइस दे रही है कि छाजे पी लो। प्लीज गाइस खड़े हो जाओ, डू समथिंग, हम लड़की वाले हैं। टिश्यू मिलेगा मैडम, हम लड़की वाले हैं, प्लीज एनर्जी दिखाओ। अब इसकी बचपन की फोटोज मिल गई, ये उसको धमकियां दे रही है कि मैं तेरी फोटोज फ्रेम कराऊंगी। इनकी लड़ाई हो रही है आपस में। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहा है ये, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, अब रेडी नहीं हो रहे टाइम। आप तो बेस्ट हो, सबसे बेस्ट हो, क्या करने लगे हो, चलो ना यार। यार तुम लोगों को कुछ अकल उकल है कि चार बजने वाले हैं कि नहा के रेडी हो जा, तू ये पुशअप चैलेंज लेके बैठ गया। अब पहले मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर बातचीत करेंगे। ये भाई पागल हो गए ये लोग सारे, क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे यार ये मसा, चल आ जा, जल्दी करोगे, कल फंक्शन है, करो भाई चैलेंज अपना। क्या बात है, कितने वेले लोग हैं होटल की लॉबी में, ये लोग इधर। मैं बैठ जाऊं ऊपर प्लीज, इतनी फुटेज ले रही हूं। 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. चलो सहजू की तो निकल गई हवा, 34, रौनक की स्पीड वही है, 37, 38, रौनक में आ जाओ, 39, बस बाबा बस, 40, भाई कल रोका है, ये अभी नाटक कर रहा है ना बस, फिर ये नहीं पता इसको, 44, ये पागल है, ये जानबूझ के पता नहीं क्या कर रहा है, ये रुका है, 35, 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 35
ले पाए और आफ्टर बाद में मैं तो नहा के रेडी। बाहर का क्या अच्छा लगा डांस, लोगों को पता तो चले क्या कॉन्टेक्स्ट है। मामी कह रही है ओए भूती ऑब्वियसली चलो क्या गिरी रही थी क्या क्या कह रही है बाहर ये कुल्ट बिछा लेते हैं उनका रजाई, फिर वो बाहर जाके कहेंगे तुम्हारा सारा रा बाहर करता हूँ है ना, फिर वो हमारे कहेंगे तुम्हारे बाप का होटल। कोई डांस नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, बस थक गए और बैठ गए। आंटी तो बॉम्बे से मेहंदी लगवा के आई है, ऐसा लग रहा है डार्क स्केच पेन से प्रॉपर कलर किया, इतना प्यारा कलर है, बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा। सेम कीप आप मेरे लिए लेके आए हो जिससे ऐसा रंग आएगा पक्का, यही वाली कीप से लगवाऊंगी मैं भी मेहंदी। लेट्स सी माय डिजाइन। अरे 20 तो बहुत हो जाते हैं, 4 बहुत हैं। अब सचा सबके लिए बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। अब मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या लगवाना है। क्या कह रहे हो भैया? अच्छा वैसा कोई सीन नहीं है भैया का कहने, जिनका पति नहीं उनका क्या सफेद रंग है? भैया का कहने का ये मतलब है भैया ये सच है, जिसका पति ज्यादा प्यार करता है उसका पति। चलो वो तो कल पता चल जाएगा, बाकी सुनो तो भैया का कहने का मतलब है मेहंदी बढ़िया होनी चाहिए, रंग किसी के भी चढ़ जाता है। और आपका कहने का मतलब है कि प्यार करता है वो कल पता चल जाएगा, मर जाने से प्यार नहीं खत्म होता। एग्जैक्टली, मरने के बाद भी मेरे जैसी को तो प्यार करते हैं भाई। ओ चलो बढ़िया है भैया, आप फेल हो गए। आपकी आपकी फेल सॉरी, मेरे को मेहंदी अच्छे आप नहीं लगाते मेरे को ऐसी मेहंदी, तो फिर मैं तो आपसे झगड़ा करती। बोलो अभी बोलो अभी बोलो, उनकी रच गई। नहीं बोलो बोलो क्या बोल रही, मैं तो अच्छा हुआ आप लगा के मैं हां कि आप लगवा के आए हो, मैं बच गया इधर से। पैरों पे उनके मेहंदी की प्रैक्टिस नहीं करनी है, लगानी है। लगानी है आती है
सही लगाती है पूनम भाई। लेडीज लोग तो फुल ऑन जोश में लगी पड़ी है मेहंदी के लिए, और मैं लिटरली सबसे लास्ट में लगवाऊंगी क्योंकि मेरी मेरे को अच्छा एक तो फील नहीं हो रहा है, एक तो बीमार फील हो रहा है, ऊपर से मेरे को लग रहा है कि बस मैं सो जाऊं, अब सोऊं कल भी नहीं सो पाए और आज रात भी पूरी प्रैक्टिस निकलने वाली है तो पर लगानी तो पड़ेगी, सबसे लास्ट में लगवाऊंगी मैं मेहंदी। और विहान भी उधर मेहंदी लगवा के आ गया है सबके साथ, आंटी प्रिया मासी वगैरह सब लोग लगा के आ गया, अब इधर भी सबकी लग गई, अब मेरी बारी है, मेरे से ज्यादा आवाज इनकी आ रही है भाई, फुल चार्ज है लोग, इनको बुला बुला के मेरा गला बैठ गया, लिटरली बैठ गया मेरा गला। बिना शर्त लगाए हंस गए भैया, कम से कम कुछ तो मान रखते, पूनम कुछ पैसे जीत जाती, आंटी कुछ जीत जाती, आज सबसे ज्यादा अमीर आप हो ना, कैसे देखो। ये देखो इसमें से गाइस गेस करो मेरी कौन सी है, मेरे को जो बताएगा क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, पता चल जाएगा कि आप मेरे को कितना ध्यान से नोटिस करते हो, इसमें मेरी कौन सी रिंग है बताओ, फिर से दिखा देती हूँ, देखो फोकस भी डाल देती हूँ, देख लिया, अब बताना मेरी वाली कौन सी रिंग है, आप तो अमीर हो गए, मजे ही आ गए आपके तो। अच्छा उधर भी है क्या कुछ कुछ, जल्दी करो मेरी बारी भी आने दोगे, हो गया फटाफट लगा दो, मेरे को बहुत आलस आता है मेहंदी लगाने में, मतलब आदत नहीं है, पता नहीं लास्ट कब लगाई, एक गल दसो एदी कौन आदत पांदा है मेहंदी, तो शौक ना लगाई जाती है, शौक ही तो नहीं है मेरे को शौक, मेरे को उसकी स्मेल से भी थोड़ा अलर्ट अच्छा नहीं लगता मेरे को, ठीक है अब तो लगानी है, मेरी मेहंदी की बारी है, तुम उस रूम में चले गए, उससे पहले आप गाने लगा के डांस कर रहे थे, खुशी देखनी थी, वाओ इतनी प्यारी है हमारी, देख मतलब तुम लोगों को यहाँ वेकेटी गाने चल जाना चाहिए, ताली ना बजाओ मेहंदी बोला मैंने थोड़ा, मम्मी बोल रही आना ना, हो गई मैंने बारीक बारीक बोली थी, मैंने इधर आते तक बोला जो है बस लगा दो फटाफट फिर करो, यहाँ तक एंगेजमेंट और शादी में लगवाऊंगी गाइस, आप लोग बोलोगे कि यहाँ तक तो लगवाते, इतनी औकात है बैठने की बस, इतनी लिमिट है मेरी, ये पकड़ के लगा दो, मत पकड़ो ऐसे ऊपर से गोल गोल बना, कितने साल से लगा रहे हो आपने, 6 साल से लगा रहा, तो फिर तो आता ही होगा आपको, ऊपर ऊपर से लगाना, फील नहीं आई, अच्छा नहीं लगता, ऐसे लोगों को सूखते भैया की सहेली का फोन आ रहा है पर इसकी सहेली का फोन नहीं आया, काम क्या कर रहा है।